नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को बे लीफ की वो टेक्निक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो भी मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ और इसके जो मिरेकल्स है, कुछ और भी इनसे जो फ़ायदा होते हैं वो भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों तेज पत्ता में ना एक ऐसा गुण है, एक ऐसी एरोमा होती है जो आसपास के जितने भी वातावरण की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करती है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और टिप्स आप लोगों को बताया था, जो बताया था कि इस पर अगर आप अपने विश को लिखते हैं, उसे हील करते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं, हील करते हैं, और फिर उसके बाद इसे जलाकर इसकी जो राख है इसको बाहर उड़ा देते हैं, तो ये क्या करता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो स्मेल है, वो आपकी लिखावट के साथ वो एयर में मिक्सअप होती है और विश पूरी होती है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, जो हमें पता है, कुछ थोड़ी थोड़ी पता है जो मैं अभी तक के वीडियोस में बताई हूँ, और इसके कुछ गुण भी है वो भी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊँगी। देखिए इसमें लिखना है, जो भी आप लिखते हैं अपने बे लीफ में यानी कि तेज पत्ते में, तो वो बहुत ही सटीक होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप इसमें लिखोगे अपनी लंबी लंबी बातें लिख दोगे, ये लिख दोगे, तो ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है। सिंपल छोटी सी चीज़ लिखो कि वो एक वर्ड से ही वो क्लियर हो जाए, ताकि आप दो तीन कुछ और भी ऐड कर सको। अब बहुत तो नहीं ये गलती कर देते हैं कि वो सारे विशेष यहाँ पर लिखने के बाद जगह नहीं बचता है, तो फिर ये बोलते हैं कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, मुझे पता नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ कि जितनी छोटी हो, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, मनी, फेम, ये सारी चीज़ें ये छोटे वर्ड में ही सब कुछ बयां कर देती है। तो वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है, लिखने के बाद इसे हील करनी है, हील करेंगे और उसके बाद इसे जला देंगे, जलाने के बाद आप एयर में इसको उड़ा दो। ठीक है, देखिए बहुत बातें होती है कि बहुतों ने कहा है ये तो ऐसा होता नहीं है। देखिए बिलीव जो है ना, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि हम कुछ भी अगर बिलीव के साथ करते हैं तो इसमें जितनी भी गुण है ना, ये और चार गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो बिलीव बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी काम हम कर रहे हैं अगर विश्वास के साथ कर रहे हैं, अगर वो मंत्र जाप भी है, अगर वो पूजा पाठ भी है, अगर किसी से दिल से किसी को प्यार करना भी है, तो ये एक वर्ड है बिलीव। ये बिलीव के साथ अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो बिल्कुल काम करता है। तो उसी तरह से ये बिलीव का भी वही टेक्निक है, जो अगर आप बिलीव के साथ करेंगे तो आपकी हर विश पूरी होगी। बहुतों की हुई है, मेरी भी हुई है, जिस वजह से ये टेक्निक आप लोगों के पास मैं लाई हूँ। ठीक है, अब इसके और भी कुछ गुण हैं जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताती हूँ। देखिए तेज पत्ता जो है ना, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किचन के कामों में, है ना। कोई भी खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ये तेज पत्ता का हम लोग डालकर, बंगाली में हम लोग फोड़न कहते हैं, आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो वो हम लोग डाल के तड़का कहते हैं ना, तड़का लगाकर फिर हम लोग कोई भी खाना पकाते हैं। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि किचन में इस्तेमाल होने के अलावा भी तेजपत्ता के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए देखा जाता है कि तेजपत्ता को एक औषधि माना गया, एक मेडिसिन के रूप में भी इसे देखा गया है, और ये अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, सांसों में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको ये ठीक करता है। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके पत्ते के कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और जिसे जानकर आप हैरान भी हो जाएंगे कि ये भी फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला उपाय था कि हम अपने विश को इस पत्ते में लिखकर इसे जला देंगे। देखिए ये किसी भी शॉप में मिल जाएगी, हो सकता है पूरे एक फुल पैकेट में बहुत सारे आपको टूटे फूटे मिले, लेकिन उसमें से मतलब इस तरह के पत्ते भी आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसा मत कहिए कि हमेशा आपको टूटे फूटे पत्ते ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है।
आपको ऐसे, क्योंकि मुझे मिलते हैं तो मुझे पता है ना, तो दो तीन पत्ते या फिर ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पत्ते टूटे हुए फटे हुए निकल भी जाते हैं, लेकिन इस तरह के पत्ते आपको उस पैकेट में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका उपाय, दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तेज पत्ते को ले, उसे एक कटोरी में रख दीजिए, वो कांच की कटोरी भी हो सकती है, ले लीजिए। अब इसे कमरे के अंदर लाकर, मतलब पहले उसे जला लीजिए, ठीक है, तेज पत्ते को जला लीजिए, कटोरी में रखिए, उसे कमरे में लेकर आइए, 15 मिनट के लिए अपने रूम को चारों तरफ से बंद करके सिर्फ वो कटोरा रख के छोड़ दीजिए, 15 मिनट रखिए। ऐसे में क्या होगा, इसकी जो तेज खुशबू है ना, ये कमरे में पूरा भर जाएगी, साथ ही आपको कमरे का माहौल काफ़ी सुकून भरा हुआ भी दिखेगा। तो ऐसा ये जो टेक्निक आप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके मन भी शांत रहेगा और एक अच्छी सी एरोमा निकलेगी, जिस वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अगर किसी भी तरह का नाशक, कीटनाशक टाइप में भी कुछ है, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे जीवाणुज भी होते हैं, तो वो भी नष्ट होंगे और साथ में इनका आप सुगंध लेंगे तो ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगला मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी खुशबू से वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, खुशबूदार बन जाता है, और इसकी सुगंध से मैंने जैसा कहा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं ना, वो दूर भाग जाते हैं। तो अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो इससे ये फ़ायदा भी होगा। अगला आता है कि वास्तु दोष को ख़त्म करने में भी ना तेज पत्ता बहुत काम में आता है, तो इसे अपने घर में जलाने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, जितनी भी शक्तियाँ है ना, वो क्या होती है, सकारात्मकता को ज़्यादा प्रवाह करती है, यानी कि आप जितना तेज पत्ते को जलाएंगे उसकी धुआं जितना घर में आपका फैलेगा, वो आपके लिए, यानी कि आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके घर के वातावरण के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखिए तेज पत्ता को जलाने से निकलने वाला जो धुआं है वो आपके आसपास के वातावरण को इस तरह बदल देगा कि आपके आसपास के लोग जितने भी हैं ना, उनका मिजाज हमेशा खुश मिजाजी में रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत मतलब उपयोगी होता है, इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि हमेशा हम लोग टेंशन में, तनाव में, और हमेशा वो बुरी बुरी भावनाएं, बुरी बुरी चिंताएं लेकर हम लोग रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरी होती है, जो कि ये तेज पत्ता है। अगर इस तेज पत्ते को हम जला कर रेगुलर इसका यूज़ करें, साथ में अगर आप इसमें अपनी विश को भी लिख दें, तो कहना ही नहीं, बहुत जल्दी पूरी होती है। लेकिन इसे अपनी डे लाइफ की रूटीन में, यानी डे नाइट की रूटीन में, अगर डे में भी जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नाइट में भी जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शाम को भी जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी लाइफ की रूटीन में ज़रूर शामिल कर दीजिए, और जब भी जलाए बस अपनी एक विश लिख दीजिए। तो ये इससे भी बहुत ईजी टिप्स बता रही हो, आप ऐसा करेंगे भी ना तो ऐसा करने से भी आपकी विश तो पूरी होगी ही, घर का माहौल बहुत सुंदर होता है, और तेज पत्ते में जो होता है ना, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर आप मिर्गी के मरीज हैं, तेज पत्ते का धुआं आपके लिए वरदान साबित होता है। अगर आपको मिर्गी का अटैक आता है तो इससे भी इसका धुआं बहुत काम करता है और ये उस अटैक होने से बचाता भी है। अगर एक और एक छोटी सी टिप्स आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आपके घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं, ठीक है, और अक्सर रहते भी हैं, कॉकरोच से किसे डर नहीं लगता, मुझे तो बहुत डर लगता है, छिपकलियों से भी मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं इसे यूज़ करती हूँ और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है कि अगर रसोई घर में आप पत्तों को जलाकर थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा को बंद करके अगर रख दें, ऐसा डेली करें, कोनों में खास करके रख देंगे ना, तो इससे कॉकरोच मरते हैं और कॉकरोच आना भी है या अपने अंडे छोड़ते हैं ना, वो भी करना बंद कर देते हैं। तो ये किचन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये तेज पत्ता। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कि तेज पत्ते के फ़ायदे जानकर, और इसे यूज़ कीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, और देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसे हम जब रेगुलर करने लगते हैं ना, तभी इसके रिज़ल्ट हमें दिखने लगते हैं। आप 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 7 दिन करोगे, 8 दिन करोगे, लेकिन अगले दिन से आप हार मान जाओगे और कहोगे कि ये सब कुछ नहीं काम करता है, तो ये सच में काम नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़, मैंने जैसा कहा, बिलीव के साथ करते हैं, तो वो बिलीव ही इसमें शामिल होता है, हमारे इंटेंशन ही इसमें शामिल होते हैं। तो आई होप आज के लिए आप लोगों को, आपका जो आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो, और इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।